हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल ड्राइंग बीस्ट। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं ब्रूस्टो की ड्राइंग शीट्स 160 जीएसएम एंड ए4 साइज़, इसका प्लस ब्रूस्टो की ही जो शेडिंग पेंसिल्स हैं उनका रिव्यू करने वाला हूं। ये मैंने रिसेंटली अमेज़ॉन से परचेज़ किया था। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्केचिंग करेंगे, आउटलाइन करेंगे। उसके लिए मैं 2H पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे रहते हैं रिजल्ट्स। Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. Yeah. No quiero perder lo que queda. Y más, y más. So friends, ये स्केच मैंने बना लिया है, आउटलाइन बना ली है। अब हम इसमें शेडिंग करेंगे, और शेडिंग के लिए मैं इसमें 3B पेंसिल, 6B पेंसिल और 8B पेंसिल का यूज़ करूँगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं 3B पेंसिल से एक बेस लेयर क्रिएट करूँगा आपको स्लोली स्लोली एंड स्मूथली। देखिए, पेंसिल को देखिए, बिल्कुल पीछे से लास्ट से होल्ड करना है, क्योंकि हमें प्रेशर का अप्लाई नहीं करना, और बहुत आराम आराम से एक बेस लेयर की शेड करनी है। इसमें मैं अगेन आई एम टेलिंग यू दिस, आई एम यूजिंग 3B पेंसिल। सो फ्रेंड्स, इसके बाद हम जो बेस लेयर है उसको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के लिए मैं ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ। आपके पास अगर ब्रश नहीं है तो आप ब्लेंडिंग स्टम्प या जो ईयरबड्स होती हैं, या आपके पास टिश्यू पेपर हैं, उससे भी ब्लेंड कर सकते हैं। सेम रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, और बहुत ही आराम आराम से आपको करना है ब्लेंड। सो फ्रेंड्स, बेस लेयर क्रिएट करने के बाद अब मैं जो डार्क एरियाज़ हैं उनको ऑप्ट करूँगा। उसके लिए मैं 6B पेंसिल का यूज़ करता हूँ, और आप इसके लिए 6B या 8B पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं। बट जो बहुत ज़्यादा डार्क रीजन होता है, मैं वहीं पे ही 8B या 10B का यूज़ करता हूँ। जो डार्क से थोड़ा सा कम डार्क होता है, उस एरिया के लिए मैं 6B पेंसिल का यूज़ करता हूँ। सो फ्रेंड्स, जो शेड्स के अंदर का ज़्यादा डार्क रीजन है, मैं उसको शेड करने के लिए 8B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। और अब मैं इसको ब्लेंड कर रहा हूँ। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप भी देख रहे हैं और मैंने ड्राइंग करते टाइम ये फील किया कि मतलब इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं है इनका, बहुत अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पा रहे हैं ये। और अभी तक तो मुझे खैर ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिल रहे। सो लेट्स सी, फिनिश होने तक देखते हैं कि कैसा रहता है रिज़ल्ट। No quiero perder lo que queda. Y más, allá. A través de la gran oscuridad, hasta que me convierta en rayos. Y más, allá. A través de la gran oscuridad, y más allá.
फ्रेंड्स अब हम हेयर कलर करेंगे, और हेयर के लिए पहले मैंने एक बेस लेयर बनाया 3B पेंसिल से, अब मैं 8B पेंसिल से हेयर में शेड करूँगा। और फ्रेंड्स आप ध्यान से देखिए, मैंने पेंसिल जो है वो चेंज कर दिया है, नाउ आई एम यूजिंग आर्टलाइन 8B पेंसिल। और इसका कारण यही है कि ये जो पेंसिल्स थी ब्रूस्टर की, ये बहुत ही बकवास थी, और अगर मैं उनको यूज़ करके हेयर ड्रॉ करता तो ये पूरी ड्राइंग ख़राब हो जाती। तो मैंने सोचा कि ड्राइंग ख़राब करने से अच्छा है मैं पेंसिल ही चेंज कर दूं। और मतलब मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप ये पेंसिल्स मत बाय कीजिए, बहुत ही बकवास हैं। ये देखिए मोटरसाइकिल भी बाहर मेरी बात में हामी भर रहा है, वो कह रहा है रुक जाइए, हॉर्न बजा के आपको बोल रहा है कि रुक जाइए, मत बाय कीजिए ये पेंसिल्स। नॉर्मल आर्ट लाइन इज़ द बेस्ट, अगर आप बिगनर हैं इंटरमीडिएट हैं तो आर्ट लाइन से बहुत अच्छे रिजल्ट आप पा सकते हैं। और फ्रेंड्स पेंसिल्स और ये पेपर ना मेरा मानना है कि सेकेंडरी है, मेन तो ये आप कितना हार्डवर्क करते हो, कितना आप प्रैक्टिस करते हो। नॉर्मल है, बहुत से आर्टिस्ट हैं जो HB पेंसिल से ही बहुत अच्छे अच्छे हाइपर रियलिस्टिक रिजल्ट्स ले आते हैं। सो पेंसिल्स और ये जो मटेरियल्स हैं ना, ये सेकेंडरी है, प्राइमरी यही है कि आप में कितने स्किल्स हैं और आप कितना हार्डवर्क मतलब हार्डवर्क करते हो। सो फ्रेंड्स फाइनल रिज़ल्ट कुछ ऐसा है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए तो बहुत अच्छा होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।